Volkswagen GTI 2013 model. I think which model? 2014 model. GTI. Water pump change. भी खराब है, ये नहीं मंगवाई है। इसको खोलने के लिए 10 यहाँ पर नटें दे रखी है। इसका जो मास है, सबसे पहले हमें ये खोलना पड़ता है। देख सकते हैं इंजेक्टर, इसकी पूरी वायरिंग, फिल्टर वो पड़ा हुआ के बाद इधर चार नटे दी गई है, बोर ये वगैरह बहुत सारा सामान है जो इसमें बताया। वोल्सवैगन जीटीआई में और एक साथ से स्टैंड तला जा निकालने के लिए स्टैंड भी यहाँ से 10 नंबर भी इसको करना पड़ता है। देख सकते हैं ये पंप का बेल्ट है, वाटर पम्प में नया ओरिजिनल ओल्ड जो खराब हो चुका है। न्यू ओरिजिनल देख सकते हैं, पार्ट नंबर भी ओरिजिनल पानी की जो ये खराब है, ये पूरी कंप्लीट आती है, अलग से नहीं है। वो इसका पार्ट नंबर भी है, वाटर पार्ट नंबर वो इसमें थ्री लीटर है, थ्री लीटर और कंपनी वोल्सवैगन जीटीआई। इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम थी, पानी लीकेज होने की वजह से इसमें से पानी खाली हो जा रहा था, तो जिसकी वजह से गाड़ी हीट कर दी थी, तो नया डालते हैं तो अच्छा ठीक हो जाएगा। सब ये खोलना पड़ता है, ये पानी की हालत वोल्सवैगन जीटीआई। कार फिट करने से पहले, पूरी जमाने से पहले आपको ये दगद भर के देख लेना चाहिए, प्रेशर भर के देख लेना चाहिए, ओके यानी पानी वानी डाल के। अभी ये फुल ओके है, उसके बाद आप अपनी कार जमा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर पानी लीकेज होगा, थोड़ा भी होगा तो दिक्कत करेगी, गाड़ी हीट करेगी, इसलिए परफेक्ट एक बार चेक कर लो, आपको डबल नहीं करना पड़े। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि अब पानी इसमें से